आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। अनाथ बच्चों को मिला उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का संबल। कोरोना महामारी के कारण निराश्रित हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अभिनव पहल। बच्चे के बालिग होने तक अभिभावक को मिलेगी मासिक 4,000 की वित्तीय सहायता। लालन पालन, शिक्षा दीक्षा और शादी तक का योगी सरकार ने किया इंतजाम। तमंचे पर डिस्को करने वाले 3 अपराधियों को खोराबार पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। बरामद किया 3 अवैध असलहा, जिंदा कारतूस और खोखा। SPCT ने कहा गिरफ्तार अभियुक्तों ने अवैध तमंचा के साथ वीडियो किया था वायरल, भेजे गए जेल। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SIC ने कहा कोरोना वायरस की तीसरी लहर से घबराने की जरूरत नहीं, बच्चों का रखे ध्यान, घर के अंदर करवाएं कसरत, खिलाएं पौष्टिक आहार। केंद्र में 30 मई को भाजपा सरकार के 7 वर्ष पूरे होने पर नगर विधायक ने रक्तदान शिविर का किया आयोजन, लोगों ने बढ़ चढ़कर किया रक्तदान। लगातार हो रही बारिश के मद्देनजर ADMCT ने महानगर के जल निकासी की व्यवस्था का लिया जायजा। शहर में हुए जल जमाव को पंप लगाकर दूर करने के दिए निर्देश। 1 जून से प्रदेश सरकार द्वारा 1 करोड़ वैक्सीन डोज लगवाने की तैयारी शुरू। CMO ने कहा 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के माता पिता का टीकाकरण पर दिया जाएगा जोर। गोरखपुर में शनिवार को मिले 53 नए कोरोना संक्रमित मरीज, आज की हुई मौत। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 58,836। अब तक 669 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान, 1,910 हो गए एक्टिव मरीज। CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। 30 मई को केंद्र में 7 वर्ष पूरे होने पर महानगर भाजपा के द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर दूसरे दिन भी रहा जारी। भाजपाइयों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। महानगर अध्यक्ष ने कहा रक्त से कोविड मरीजों की जाएगी मदद। शनिवार को जिला अस्पताल सहित 72 बूथों पर 17,616 नागरिकों का किया गया वैक्सीनेशन। 45 साल से ऊपर के 10,335 और 18 साल से ऊपर के 7,281 लोगों ने लगवाया टीका। CMO ने कहा रजिस्ट्रेशन कराकर अवश्य कराएं वैक्सीनेशन। पोस्ट कोविड मरीजों के लिए 1 जून से जिला अस्पताल में शुरू होगा योगा कैंप, आप लोग भी हो सकते हैं शामिल। SIC ने कहा योगा से बढ़ती है रोग प्रतिरोधक क्षमता। संक्रमण पर प्रभावी लगाम लगाने के उद्देश्य से शासन द्वारा लगाए गए आंशिक कोरोना कर्फ्यू का शनिवार को भी देखने को मिला आंशिक असर। कुछ क्षेत्रों को छोड़कर सड़कों पर रही चहलकदमी। SPCT ने कहा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों पर की जा रही है विधिक कार्यवाही। और चक्रवाती तूफान यास की वजह से 3 दिनों तक हुई बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित, लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। ADM फाइनेंस ने कहा कहीं से प्राप्त नहीं हुई कोई नुकसान की सूचना।